गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हम निकल रहे हैं हॉलैंड बीच के लिए। नेमो बोपालो से हम हॉलैंड बीच पे जा रहे हैं, तो आप उसको भी देख लेना। जो नॉन स्विमर है ना, उनके लिए ये बीच है, आराम से नहा सकते हैं और भरपूर मजा आ जाएगा वहाँ पे। हाँ गाइस, भरपूर मजा आ सकता है आप लोगों को। और मतलब यहाँ पर गाइस ज्यादा पानी है ना, और यहाँ पर हॉलैंड में गाइस पानी बहुत कम है, और वहाँ पर जिनको स्विमिंग बराबर से नहीं आती वहाँ पर वो प्रॉपर स्विम कर सकते हैं। और चलो अभी निकल रहे हैं हम लोग हॉलैंड से, हम निकल रहे हैं हॉलैंड के लिए गाइस निकल रहे हैं। और हम लोग हॉलैंड के लिए निकल रहे हैं, और ये देखो गाइस कितने मस्त मस्त दुकान है गाइस यहाँ पर बुकमालो में भी। और बाय बाय बुकमालो को बोल देंगे हम लोग अभी, ठीक है। और गाइस ये रिजॉर्ट है बुकमालो का, बुकमालो बीच रिजॉर्ट का एंट्रेंस है गाइस, ये देख लेना आप। हाँ गाइस आप विजिट करो एक बार यार, बहुत मस्त है। और बस निकल रहे गाइस। तो गाइस ये रहा हॉर्स, और हम चल रहे गाइस आगे हॉलैंड के लिए डायरेक्टली। तो गाइस कितना पीसफुल एरिया है गाइस, एकदम पूरे साइलेंट है। और ओके गाइस, गाइस ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर। और मामू गाइस ड्राइव कर रहे हैं एक्टिवा, तो मैंने चल रहा है डायरेक्ट हॉलैंड के लिए। तो कैसे हमारे ट्रिप ही कर रहे थे गाइस, हॉलैंड चल रहे गाइस हम लोग अभी। और कैसे हमारे काम भी चल रहा है यहाँ पर देखो घर का। और चलते गाइस अभी आगे। और कैसे हमारे गाइस चर्च भी है, बड़ा चर्च भी गाइस है यहाँ पर। एक और भी गाइस यहाँ पर एक और चर्च है, और यहाँ पर कुछ बन रहे हैं हम यहाँ पर, चर्च बन रहा है गाइस यहाँ पर। यहाँ पर एक और चर्च बनने वाला है, तो यहाँ पर गाइस गोवा में तो गाइस आप ज़्यादातर आप यहाँ पर ज़्यादातर चर्च मिलेंगे आपको, मस्जिद वगैरह भी है, सब कुछ है यहाँ पर गाइस। और कैसे वो कितना मस्त दिख रहा है ऐसे यार। एंटर कर चुके हैं हॉलैंड बीच को, और गाइस और भी गाइस मेरे घर है गाइस मस्त गाइस, कितने मस्त मतलब बहुत मस्त घर है गाइस यहाँ पर। और गाइस अंदर एकदम अंदर है गाइस बीच है। और ये भी गाइस बुकमालो का तेरा बड़ा बीच है भी, अब तो आने फिर यहाँ गाइस एक रिजॉर्ट हमारे ये भी है, होटल भी है ना खाने के लिए गाइस। तो गाइस मस्त है यार इधर, अगर आप हॉलैंड में एक बार विजिट करो, हॉलैंड में कैसे विजिट करो आप एक बार। और मस्त है मतलब कितना साइलेंट है, ठंडा लगा रहेगा एकदम, मतलब कोल्ड एकदम अच्छा लगा रहेगा इधर। और तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को आगे तक, आगे देखते हैं और क्या है भाई। तो गाइस हॉलैंड अंदर है ना, हम अंदर है थोड़ा सा, हॉलैंड अंदर है, हॉलैंड गाइस मैं हॉलैंड का हॉलैंड हॉलैंड गाइस। तो अभी यहाँ पर गाइस और भी गाइस घर बने हुए हैं यहाँ पर, कितना मस्त घर है गाइस ये भी। और गाइस इधर ही गाइस लेफ्ट पे लेते हैं, हॉलैंड आएगा भी, तो अभी हॉलैंड चलते हैं अंदर। अंदर है गाइस हॉलैंड, एंड सो गाइस यहाँ पर गाइस है सबसे बड़ा चर्च गाइस, गाइस चर्च है देखो आप देख सकते हैं, चर्च कितना बड़ा चर्च है गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यार। एंड देखो गाइस इधर देखो गाइस फोटो शूट के लिए मस्त ही रहेगा इसे गाइस, ये पूरे कोकोनट ट्री और कैशियो ट्री भी यहाँ पे है। या सो गाइस यहाँ पर गाइस कोकोनट ट्री है ये, और क्या
कैशू ट्री भी गाइस यहाँ पर, तो मस्त लग रहा है सच्ची बोल तो। अभी हम अंदर जाने वाले गाइस, ये गाइस आया हो कुछ दिख रहा होगा सामने, ये गाइस सामने थोड़ा अंदर है ना, और अंदर है गाइस थोड़ा और गाइस हमारे गाइस एक रेस्टोरेंट है ये वाला। और जब गाइस मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पर तब गाइस अभी से काम चल रहा था, और गाइस हमारे को पूल भी गाइस उधर, वाह लिटरली अरे गाइस इतना मस्त है भाई। गाइस जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर गाइस लास्ट टाइम अभी मतलब गाइस बन रहा था, अभी पूल वगैरह सब बन रहे थे, तो अभी गाइस जब मैं अभी अभी जब आया गाइस तो गाइस रेडी हो गए, स्टार्ट भी हो गया वैसे मस्त है। सो गाइस ये रहा हॉलैंड बीच, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और गाइस हमारे पार्किंग के लिए, तो गाइस हम एक्टिवा पार्क कर रहे हैं पर। तो ये रहा हॉलैंड, गाइस थोड़ा सा पिछला नहीं गाइस इधर, तो इस तरह से थोड़ा सा थोड़ा केयरफुल चलना है हम लोगों को। मैं मामू चल रहा था सामने आके, और दो गाइस इधर ज़्यादा नहीं है वैसे, तो गाइस यहाँ पर स्विम करते थे, कोई भी इसलिए स्विम करता है यहाँ पर, गाइस भोपाल में भी तो बहुत ज़्यादा लोग थे, मेरे हॉलैंड में नहीं है। आगे की चल रहे हैं और मैं भी चल रहा हूँ फटाफट से, वही थोड़ी बोट ठीक है सामने ही है। अगर फिशिंग के लिए गाइस इधर भी गाइस फिशिंग कर सकते हैं हम लोग यार, मस्त हो गया इधर इधर मच्छी वगैरह पकड़ सकते हैं गाइस। और तो मतलब गाइस इतना मतलब पानी इतना कम है यहाँ पर, भाई कोई भी इसलिए नहा लेगा इजिली, कोई गाइस स्विमिंग आराम से स्विमिंग कर सकता है। अगर वहाँ भी देखो गाइस पूरा पानी वहाँ भी ऐसे जाते हुए पूरा पानी पानी होगा। और गाइस अभी मामू को देते हैं कैमरा हाथ में, तो ये मामू कैमरा हाथ में एक सेकेंड, हाँ बैक कैमरा। गाइस ये रहा हॉलैंड बीच, जो अब हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो बुकमालो का अटैच ही है बीच, और ये बीच ज़्यादा डीप नहीं है, लोग आप देख रहे हैं कि कितने आगे जा रहे हैं तो भी वो उनके ये उतना डूब नहीं रहे हैं, जो ऑलमोस्ट गाइस चमक तक ही पानी हो, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं है पानी, हाँ यहीं तक ही है, बहुत ज़्यादा है, और जो नॉन स्विमर है वो आराम से यहाँ पे स्विम कर सकते हैं। एकदम साइलेंट बीच है यहाँ पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कुछ नहीं, एकदम मजे में है। पब्लिक ऐसे यहाँ पर गाइस आती है बट मतलब अभी तो उतनी पब्लिक नहीं है, बट बुकमालो बीच में ज्यादा पब्लिक थी, और यहाँ पर कल इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं है, कल संडे तो, कल ज्यादा हाँ कल संडे है, पर कल बहुत सारी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता है, यहाँ पे बहुत लोग आकर्ष नहीं होती है यहाँ पे, तो आप ये देख रहे हैं जो है हॉलैंड। सो गाइज अभी गाइज यहाँ पर एक रिजॉर्ट भी है गाइस हमारे सामने, और बस यार मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, वो बहुत अच्छा है, रिलैक्स जगह है यहाँ पे, यहाँ बहुत रिलैक्स जगह है अभी वैसे नहीं, पानी वैसे ग्रीन होने मतलब पहले थोड़ा सा ये था नहीं। सो गाइस इस ब्लॉग को ये रखते हैं, और अभी हम मामू और मैं निकलने वाले हैं, तो गाइस बहुत टाइम भी हो गया वैसे इधर, और गाइस वैसे तो गाइस 5:30 हो चुके हैं, बराबर 5:30 हो चुके हैं अभी शाम के, और अभी घर पर निकलना यार, तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे तक, सिनेमेटिक तो होते रहेंगे, दो ब्लॉग शूट कर लिए मैंने एक साथ, ये वाला ब्लॉग और कल अभी कौन सा मैंने ब्लॉग शूट किया, दो ब्लॉग शूट कर लिए, एंड बस यार इतना आप देख सकते हो यार। तो गाइस मैंने थंबनेल के लिए अभी फोटो शूट किया, मैंने थंबनेल के लिए क्योंकि भाई थंबनेल के लिए चाहिए होता है ना, एक वैसे रस्सी जो गाइस रोप है बहुत ज़्यादा बढ़िया। और गाइस वो अरे मामू जा रहे, देखो तो अभी चलो हम भी चलते हैं यार अभी फटाफट से कॉलैंड बीच को भी गाइस बाय बाय बोलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, और मामू तेरे का गाइस ड्राइव कर रहे हैं, तो चलो यार अभी सिनेमैटिक शॉट को दिखा देंगे वैसे, तो अभी गाइस मैं बहुत थक चुका हूँ यार लिटरली, मैं गाइस दो ब्लॉग एक साथ शूट किए मैंने ठीक है, तो बस यार निकल चुके गाइस आगे तक शूट किया, गाइस पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी गाइस अगर देखता मौसम का इधर अच्छा है, इधर गाइस बहुत अच्छा है, और बस कैमरा से गाइस आपको मैं सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा अभी पूरे।
और आज का फोन भी बाहर निकल चुके हैं और मैंने कहा ये रहा पीछे बोरा को देख सकते हो, ठीक है। आज का व्लॉग ये रखते हैं, आई होप सब लोग आज का व्लॉग पसंद आया होगा, इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना और आज का व्लॉग रखते हैं, आई होप सब लोग मजा आएगा। तब तक गाइस आप जब तक ये व्लॉग देखो तब तक मैं स्कूल से आया रहूंगा, मंडे हो गए फिर स्कूल स्टार्ट है, ऐसे में ये व्लॉग नहीं आएंगे, व्लॉग आएंगे 100% आएंगे व्लॉग, इसकी जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर देना, यहाँ पर आ रहा फॉलो कर देना और ट्विटर फेसबुक फॉलो कर देना, यहाँ पर दे दूंगा फॉलो कर देना। और साथ साथ बस व्लॉग एंड करते हैं और टाइम हो रहा सॉरी टाइम क्या हो रहा है 9:17 और बस एंड करते हैं ब्लॉग को। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।